नोएडा के चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी किए जाने के बाद आज आरुषि के माता पिता की जेल से रिहाई संभव। सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन? हनीप्रीत की पुलिस रिमांड आज खत्म, पंचकुला कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। अब तक हनीप्रीत का मोबाइल लैपटॉप भी नहीं तलाश पाई है पुलिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर, बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा में होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 9 नवंबर को एक चरण में डाले जाएंगे वोट, 16 अक्टूबर से नामांकन होगा, 18 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में नहीं बुलाने पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नाराज, लालू यशवंत सिन्हा का भी नाम नहीं, कल पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान के फायरिंग में सेना के जवान सिपाही टीके रेड्डी और सेना के कुली मोहम्मद जाहिर शहीद, 6 लोग जख्मी। पटाखा कारोबारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कारोबारियों ने याचिका में कहा था कि 12 सितंबर के आदेश के बाद लाइसेंस मिला, फिर पटाखे खरीदे, अब उसे बेचने की चाहिए इजाजत। हरियाणा के सोनीपत मुरथल दिल्ली रोड पर लगा लंबा जाम, बीच सड़क पर ट्रक खराब होने से रात 10 बजे से अब तक जाम से मुक्ति नहीं। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को से अलग होगा अमेरिका, इसराइल विरोधी रवैये को लेकर अलग होने की वजह बताई जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।